नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं प्रतिभा पाल, नवनियुक्त निगम आयुक्त हैं इंदौर की। आइए उनसे जानूंगा क्या कोरोना हाल में निगम किस तरह से काम कर रहा है और क्या क्या उनके लिए चैलेंजेस हैं। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आयुष जी। प्रतिभा जी, आपकी जो नियुक्ति हुई है वो कोरोना काल में हुई है, बड़ा संघर्ष का समय है इंदौर के लिए। चूँकि इंदौर रेड जोन में है, कई सारे चैलेंजेस हैं। आपकी नियुक्ति हुई है, आपने निगम को कितना जाना है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और निगम इस समय कोरोना काल में क्या क्या कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इंदौर के लिए संकट का समय है क्योंकि हम लोग हॉटस्पॉट में हैं, रेड जोन में हैं। लेकिन जो पिछले 2-3 महीने के आंकड़े हैं, अगर हम लोग इंदौर जिले की बात करें कोरोना को लेकर, तो इनमें लगातार सुधार आया है। पिछले 1 महीने में हम लोगों के यहाँ मोर्टेलिटी रेट लगातार कम हुआ है। जो पेशेंट कोरोना जो पॉजिटिव थे उनकी हालत में लगातार सुधार हुआ है, हमारा रिकवरी रेट इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा जो पहले केसेस का डबलिंग रेट था वो बहुत हाई था। मतलब हमारे केसेस जनरली दूसरे दिन या तीसरे दिन में डबल हो जा रहे थे टोटल पॉजिटिव। वो रेट अब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। हमारा जो डबलिंग रेट है वो 26 के करीब पहुँच गया है, जो ये दिखाता है कि कोरोना से लड़ने में इंदौर के लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है और समझदारी जागरूकता का परिचय दिया है, जिससे कि ये लड़ाई में अब इंदौरवासी मजबूत नजर आते हैं। इस समय पर लैंड करना इंदौर में, जब मैं इंदौर नहीं आई थी तो मुझे भी ये लग रहा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग। लेकिन इंदौर आने के बाद सभी व्यवस्थाओं को इतनी नज़दीकी से देखने के बाद मुझे ये इस बात का पूरा विश्वास है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ना सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेकर, कोरोना के हमारे कंटेनमेंट जोन्स उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, सर्वे को लेकर, लगातार चल रही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर, और लगातार जितने लोग सही होकर घर जा रहे हैं, लगातार जनता जो इस बात को अब समझ रही है, डर कोरोना का जो कम हुआ है, जल्दी हम लोग इस फेज से भी बाहर आएंगे। इंदौर नगर निगम, और इंदौर मेरे लिए नया है, लेकिन नगरीय प्रशासन का अनुभव जो उज्जैन और सतना नगर निगम में मैंने लिया है, तो मुझे लगा उसके जरिए इंदौर नगर निगम को जल्दी समझने में मुझे मदद मिलेगी। बाकी कई जगह अपने लोकल सर्कमस्टेंसेस होती हैं, लोकल तैयारियां होती हैं, लोकल चैलेंजेस होते हैं, लोकल आवश्यकताएं और अपेक्षाएं होती हैं। तो हम लोग आगे भी, जैसे इंदौर नगर निगम ने इस संकट के समय में लगातार काम करते हुए शहरवासियों को जो भी अपेक्षाएं थी उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है, आगे भी हम लोग ये करते रहेंगे। निगम पे भरोसा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आम जनता निगम पे भरोसा बड़ी मुश्किल से करती है। अब निगम के पास सबसे बड़ी जवाबदारी इस समय ये है कि फल और फ्रूट्स, सब्जियाँ, ये होम डिलीवरी, इसमें लगातार शिकायतें भी आ रही हैं। कहीं पे वज़न कम मिलता है, कहीं फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कभी सब्जी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उसे किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है और आप कैसे आश्वस्त करेंगी कि इंदौर की जनता को अच्छा फल मिले, अच्छे फ्रूट्स मिले, अच्छा सब्जी मिले और जो वज़न की गारंटी नगर निगम दे रही है, एक रेट सुनिश्चित किया गया है, उसे वो पूरा मिले? देखिए, नगर निगम के जो काम है, यदि मैं कामों को एक शब्द में अगर समेटना चाहूँ, तो हम लोग बचपन से, जब जन्म से, किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर नगरीय क्षेत्र में और उसकी लगातार बढ़ती जरूरतों में नगर निगम लगातार काम करता है। बिल्कुल, जहाँ अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं वहाँ जाहिर सी बात है कि संतुष्टि का स्तर कम होता है, और वो स्वाभाविक है। आपकी अपेक्षाएं जितना ज्यादा बढ़ेंगी वो हमें हमेशा अच्छा काम करने के लिए तैयार करती हैं, और नगर निगम इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। आपने देखा कि स्वच्छता को लेकर भी पहले इसी तरीके की चीजें रही होंगी, लेकिन आज स्वच्छता का जो स्तर है, स्वच्छता को लेकर नगर निगम के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो मजबूत हुआ है। इसी तरीके से कोरोना के समय पर जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, जो हमारा प्रॉपर लॉकडाउन था, जिसको 100% लॉकडाउन हम लोग कह रहे थे, जिस समय इंदौर शहर में सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स खुले हुए थे, उस दौर में जाकर इंदौर के सभी रहवासियों को घर घर किराना का सप्लाई, घर घर सब्जी का सप्लाई, घर घर फलों का सप्लाई नगर निगम ने अपने हाथ में लिया। ये व्यवस्था पूरी बाजार आधारित है, मतलब इसमें जितने भी व्यापारी हैं सारी चीजें मार्केट ड्रिवन है। नगर निगम ने इसमें सिर्फ फैसिलिटेटर का काम किया है, यानी व्यवस्थाएं बनाने का, कि किस जगह आप
होलसेल के व्यापारी कहाँ बैठेंगे, वो रिपैकेजिंग कहाँ करेंगे, उनके साथ में जो वार्ड स्तर तक व्यापारी हैं वो कैसे उनसे संबद्ध होंगे, आपस में एक दूसरे के प्रति उनके दायित्व क्या होंगे, ये सभी चीज़ों को चैनलाइज करने का काम नगर निगम ने किया है। तो जाहिर सी बात है, जब आप देखेंगे कि एक किसी पर्टिकुलर काम में जब 1,500 से 2,000 लोग लगते हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है, इतने बृहद स्तर पर होम डिलीवरी और 100% होम डिलीवरी, तो ये काम ना तो उन्होंने कभी किया है और ना उनको इस चीज़ का अंदाजा था, लेकिन उसके बावजूद जो सब्जी की शिकायतें थी हम लोगों के यहाँ शुरुआत के 2-1 दिनों में ज़्यादा आई, उनका कारण था कि सब्जियाँ पैकेट्स एक दूसरे के ऊपर रखे और वो सही अच्छी हालत में लोगों के घर तक नहीं पहुँची। धीरे धीरे सब्जियों की क्वालिटी की में इम्प्रूवमेंट हुए और कई बारी हम जब अगर कोई काम शुरू करते हैं तो करके भी सीखते हैं, तो सब्जियों में वो इम्प्रूवमेंट्स हुए, वो शिकायतें कम हुई। इसी तरीके से फलों की जो डिलीवरी है जो हाल में ही हम लोगों ने शुरू करी है जी, तो मुझे उसमें भी पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से कई बारी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है उस वजह से फलों की क्वालिटी या फल दब जाते हैं, तो इस तरीके की छोटी छोटी शिकायतें आ रही हैं, बहुत जल्दी 2-3 दिन में ये सभी भी इम्प्रोवाइज हो जाएंगी। और मैं नगर निगम एरिया में रहने वाले सभी रहवासियों से ये अपील भी करना चाहती हूँ कि 2-3 दिन का ये जो टाइम लग रहा है फलों की व्यवस्था को और इम्प्रूव करने में, जो क्वालिटी के इश्यूज आ रहे हैं जी, तो ये 2-3 दिनों में निश्चित रूप से पहले से बेहतर नजर आएंगे। और जो घर घर पहुँच का जो सेवा की जो हम लोगों ने शुरुआत की है और इसका जो दायित्व लिया है उसको हम लोग भली भांति निभाएंगे। टीम कप्तान के रूप में निगम की आप टीम लीडर हैं, जब कप्तान कोई नई भूमिका में आता है, नई जगह का चार्ज लेता है, तो उसकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि वो अपनी टीम की जांच पड़ताल करे और टीम से सड़कों पे जाके ये पता करे कि उन्हें कहाँ कहाँ कैसी कैसी किस किस तरह की दिक्कतें आ रही है। तो एज अ निगम टीम कप्तान के रूप में आप सड़कों पर गई हैं, सड़कों पर उतरी हैं, आपने अपनी टीम के लोगों से बातचीत करी है, उन्हें किस किस चीज़ों की समस्या आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, इस समय निगम की टीम लगातार 17,000 लोग हमारे सड़कों पे काम कर रहे हैं और मुझे इस बात पर गर्व भी है कि इस संकट के समय में, जबकि कई सारे लोगों ने काम करने से मना किया होगा, ये सिर्फ इंदौर में नहीं, मैं जहाँ पहले भी थे वहाँ भी इस तरीके की दिक्कतें आईं, लेकिन नगर निगम की टीम ने चाहे वो कंटेनमेंट जोन्स हों, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स हों, और शुरुआत के समय में हॉस्पिटल्स की भी हम लोगों ने अंदरूनी व्यवस्थाएँ देखी, तो निगम के कर्मचारियों की, हमारी पूरी टीम की प्रतिबद्धता शहर के प्रति है, शहर के लोगों के लिए है कि जब भी शहर को ज़रूरत होगी, बाकियों का नहीं पता, लेकिन नगर निगम की टीम हमेशा सबसे पहली पंक्ति में खड़ी हुई नज़र आएगी, और ये बात हम लोगों ने लगातार सिद्ध भी की है। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आई कि देखिए, कोरोना एक वायरस है और वो किसी को भी हो सकता है, बिल्कुल, ज्यादातर खासकर उन लोगों को इससे विशेष थोड़ा डर रहता है जो लगातार एक्सपोज होने का, जिसका खतरा ज्यादा रहता है, जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि हमारी टीम जो सड़कों पर है, प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, इन लोगों का खतरा भी ज्यादा है, तो टीम ने इससे कभी डरा नहीं, टीम ने अलर्टनेस रखी, अपनी सावधानी रखी, पीपी किट्स का प्रयोग किया लगातार, नगर निगम को कई सारे दानदाताओं ने पीपी किट्स दिए, हम लोगों ने अपने स्टोर में लगातार इसकी मॉनिटरिंग रखी और इसकी जो व्यवस्था है उसको बनाए रखा। इसके अलावा कई सारे दानदाताओं ने नगर निगम की टीम के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स भी दिए, जो चाहे आयुर्वेदिक थे, कुछ लोगों ने होम्योपैथिक भी दिए। इस तरीके से लोगों ने भी इस बात को समझा, क्योंकि अगर दानदाता किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए टर्न अप हो रहे हैं तो सभी ने इस चीज़ को समझा कि जो लोग एक्सपोज होने के लिए ज़्यादा सामने आ रहे हैं तो उनके लिए ये सब किया जाए। तो नगर निगम की टीम ने शुरुआत में थोड़े बहुत वो रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है शहरवासियों में इस चीज़ को लेकर जागरूकता आ रही है कि कोरोना एक वायरस है और इससे डरने की नहीं, बजाय अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो नगर निगम ने भी इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग किया और आज ही नहीं, शुरू से टीम हमेशा प्रतिबद्ध नजर आई और आज भी है। निगम आयुक्त इंदौर में आई पर निगम का खजाना खाली है, बहुत संकट है, बहुत समस्याएँ हैं, उससे कैसे आप जूझ रही हैं, कैसे लड़ रही हैं? खजाना खाली होना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत निगम की शहर को है, पर उसके साथ साथ चूँकि निगम को जहाँ से आय होती है, जहाँ से पैसा आता है, वो नहीं आ पा रहा है, तो कैसे मैनेज कर रही हैं आप? देखिए, ये समय ऐसा है जबकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हैं जी, और शहर में आप देखें तो बाज़ार बंद हैं, तो इस जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है वो लॉकडाउन के साथ हुई है, तो ये निगम के लिए जरूर बड़ा चैलेंज है। और इस समय जो निगम के खर्चे हैं वो सामान्य दिनों की तुलना में
लगभग 2 से 3 गुने बढ़े हुए हैं और आय हमारी इस समय लगभग बहुत कम है, क्योंकि आय के स्रोत जो है नगर निगम के वो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है और जी जो हमारे टैक्सेस हैं, इसके अलावा नगर निगम की जो दुकानें उनके लीज से जो हम लोगों को रेंट आते हैं, जी मल्टीमीडिया से आने वाले जो टैक्सेस हैं और जो रेंट्स हैं वो हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऐड देती है वो है। तो जी इसको लेकर दिक्कतें अभी ज़रूर हैं, क्योंकि हम लोगों के जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी दिक्कतें हैं, पर फिर भी हम लोग लगातार अपने जो हमारे अच्छे टैक्स पेयर्स हैं, जो हमारे एडवांस टैक्स पेयर्स हैं, जो हर वर्ष निगम को एडवांस टैक्स पे करते हैं, तो हमारी पूरी टीम लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए है, लगातार विभिन्न माध्यमों से, और बल्कि आज इस माध्यम का भी मैं उपयोग कर लेती हूँ कि मैं शहर के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहती हूँ जी कि अभी के समय, सामान्य समय में हम लोग सिर्फ सफाई का काम करते थे, लेकिन अभी हम सफाई के साथ डिसइन्फेक्शन का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल पहले के समय में निगम पानी देता था, स्ट्रीट लाइट, वो अभी भी जारी है, लेकिन उसके साथ साथ में जो किराना है, सब्जी है, फल है, इसमें बहुत सारा हमारा मोबिलिटी का सिस्टम लगा हुआ है, बहुत सारे हमारे कंट्रोल रूम्स हमें एडिशनल लगाने पड़े, बहुत सारा एचआर बड़ा है। तो जी इसको लेकर जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सक्षम लोग हैं, तो अगर कई बार हमें लगता है कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो ये एक सही मौका है कि आप लोग निगम के अगर टैक्सेस सही समय पर पे करेंगे तो हम लोग अपनी सेवाओं को और बेहतर कर सकेंगे, और इस तरीके की जो दिक्कतें हैं कई बार हम लोगों को कुछ चीज़ों में सोचना पड़ता है, तो वो निगम को सोचना नहीं पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कई सारे टैक्स पेयर्स टर्न अप भी लगातार हो रहे हैं, जो हमारा पिछले 7 दिनों का टैक्स है वो पिछले 1 महीने के टैक्स से ज़्यादा है, जो ये जी शो करता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने भी ये समझना शुरू किया है। और इंदौर की जनता तो हमेशा पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जागरूक और समझदार जनता के रूप में इनको जाना जाता है, सभी इंदौर वासियों को। तो मुझे विश्वास है कि इस महीने से हमारे टैक्सेस भी ट्रैक पे आने शुरू होंगे और नगर निगम की स्थितियों में सुधार होगा। प्रतिभा जी, आपके लिए एक और चैलेंज है कि जो रूटीन के काम के अलावा जो बड़े बड़े नगर निगम ने ठेके दे रखे थे, जो डेवलपमेंट से काम हो रहे थे, वो वापस से कैसे चालू हो। हम लगातार ये देख रहे हैं कि जितने भी ठेकेदार हैं वो लगातार पैसे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि निगम का खजाना खाली है और कोरोना काल में कोई कहीं से भी पैसे आने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसे में निगम ठेकेदार भी जिद पड़े हुए हैं कि पैसा मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो आपके लिए वो बड़ा चैलेंज है, आप किस तरीके से जो इंदौर के रुके हुए काम है उसे कैसे चालू कराएंगी। निगम के जो महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी कार्य हैं, जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास है, अमृत है, अमृत से हमारे यहाँ सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम चल रहे हैं, इसके अलावा स्मार्ट सिटी के काम है, और निगम निधि से जो हम लोग निगम में काम करते हैं, तो अभी लॉकडाउन के चलते चलते हम लोगों ने 3-4 तरीके के काम शुरू किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, पानी की टंकियाँ बनना, जो एसटीपी के काम थे, और स्मार्ट सिटी के कुछ काम, तो ये काम शुरू हुए हैं। आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि अगर काम हुआ है और लोगों के आउटस्टैंडिंग ज़्यादा होते हैं तो दिक्कत होती है मार्केट में। जी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे निगम के टैक्स का कलेक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम जो निगम के आउटस्टैंडिंग जिनके ड्यूज हैं उनको भी क्लियर करते जाएंगे, और ये सभी काम रूटीन में आ जाएंगे, और ये निगम के लिए मतलब नगर निगम के लिए एक परंपरा प्रकार की है कि हम लोग रोटेशन में काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं, फिर काम करते हैं, तो इस तरीके से नगर निगम की जो गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो लगातार चलती रहती हैं, ये बंद नहीं होती हैं। और ये अलग बात है कि अभी कुछ पेमेंट्स रुके हुए हैं, पर मुझे लगता है 1 महीने का जब हमारा फाइनेंशियल सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा तो इस तरीके के सभी काम शुरू हो सकेंगे। प्रतिभा जी, इंदौर की जनता का एक सवाल है आपसे, और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। इंदौर की जनता ये मान रही थी कि जो 7 स्टार रेटिंग आएगी उसमें इंदौर का नाम जरूर आएगा, पर इंदौर को 5 स्टार रेटिंग मिली। क्या कारण रहा कि इंदौर को 7 स्टार नहीं मिल पाया। देखिए, 5 स्टार रेटिंग को रिपीट करना अपने आप में गौरव की बात है, और 5 स्टार की रेटिंग ये दिखाती है कि नगर निगम ने, शहर की पूरी जनता ने, पूरी टीम ने लगातार काम किए हैं, और जो स्टार रेटिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं, उनमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एब्सोल्यूट सेंस में है, मतलब इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ग्रेडिंग है उनकी। हम देखें, जैसे अगर हम एक ही उदाहरण को लेंगे कि हमारे यहाँ डोर टू डोर कितना होता है, 75%, 50% या 100%, तो एक दो पैरामीटर्स कुछ ऐसे थे जिसमें हम 100% नहीं थे, और पूरे देश भर में सिर्फ अगर अगर आप इसके कंपटीशन को, इम्पोर्टेंस को अगर हम लोग समझना चाहें तो इस बात से समझ सकते हैं कि देश भर के सिर्फ 6 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 5 स्टार हो पाए हैं।
जो इस बात की गवाही देता है कि प्रोटोकॉल जो स्टार रेटिंग का है वो बहुत चैलेंजिंग है और उसके पैरामीटर्स बहुत एब्सोल्यूट हैं। तो इस वर्ष हम लोग जिन जिन पैरामीटर्स पे हमारे 100% मार्क्स नहीं आए हैं, उन पैरामीटर्स पे हम लोग इस बार स्पेशली काम करेंगे ताकि इंदौर, जो अभी तक पूरे देश भर में कोई भी सिटी 7 स्टार नहीं बन सका है, वो इंदौर ही बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और हम लोग इस वर्ष ये 7 स्टार का तमगा जरूर लेके आएंगे इंदौर के लिए। प्रतिभा जी, पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर की हर पोस्टिंग को इंदौर की जनता बड़े तरीके से देखती है और बड़ी महत्वपूर्ण मानती है, चाहे वो इंदौर कलेक्टर की पोस्ट हो, चाहे इंदौर के संभागायुक्त की पोस्ट हो। जब से इंदौर लगातार नंबर 1 आ रहा है, तो इंदौर की नगम आयुक्त की भी स्थिति कुछ ऐसी है कि वहाँ पे किसकी पोस्टिंग है, कौन आया है और क्या काम करेगा, इस पे लगातार जनता उसका एनालिसिस भी करती है। आपको लगता नहीं है कि आपकी नियुक्ति यहाँ हो गई है, आप उस इंदौर की नगर निगम की निगमायुक्त हैं जो इंदौर लगातार नंबर 1 आता रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। और आप जनता को कैसे आश्वस्त करेंगी कि आप पूरे तन से मन से जिस तरीके से बाकी अधिकारियों ने इंदौर को नंबर 1 रखा है, आप भी उतनी सफल रहेंगी और उससे बेहतर करेंगी? देखिए, जो ट्रांसफर और पोस्टिंग्स हैं वो राज्य शासन का दायित्व है, और अगर उन्होंने यहाँ भेजा है, जो मेरा दायित्व है वो इस बात का है। निश्चित रूप से जब से इंदौर ने सैनिटेशन में नंबर 1, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, जी बहुत ही बड़ा तमगा है, और जब से ये तमगा इंदौर को मिला है तो इंदौर की जो ब्रांडिंग है वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की हो गई जी है। पूरे देश और विदेश में हम लोगों को इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। न सिर्फ शहर की बल्कि शहरवासियों की मुझे मालूम है कि अपेक्षाएं बहुत अधिक होंगी, लेकिन इसका जवाब इस समय दे पाने से बेहतर है कि आप लोग भी, और आप लोग इसका इसके विषय में थोड़ा इंतजार करें और मुझे थोड़ा समय दें। प्रतिभा जी, आपको भी कई लोग जानते होंगे, आपके परिचित होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे। जब आपकी पोस्टिंग इंदौर में हुई तो उन्होंने आपको शुभकामनाएं दी होंगी और कहा होगा, एक मन की बात आपसे करी होगी कि आप उस इंदौर में जा रही हैं जो नंबर 1 है, तो आपको कैसा फील लगा, कैसा अच्छा लगा? क्योंकि शासन ने आपकी नियुक्ति तो कर दी, पर एक आपकी खुद की फीलिंग क्या कहती है जब लोगों ने आपसे कहा होगा, आपसे पूछा होगा कि अच्छा प्रतिभा जी, आपको इंदौर नगर निगम कमिश्नर बनाया गया है, तो एक फीलिंग सी आती है एक अपने आप में। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया, मैं नगरीय शासन में पहले से, जी मुझे 2 बार अवसर मिला है निगमायुक्त रहने का, जी तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि इंदौर की जो नगर निगम आयुक्त की पोस्ट है वो बहुत ही निगम की जो ये ब्रांडिंग है सैनिटेशन में नंबर 1 उसके बाद होने से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। और मुझे खुद में ये हमेशा, जब हम इंदौर में नहीं भी थे, जब हम लोग उज्जैन में थे और जो सेरेमनी था, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जब लास्ट टाइम का हुआ था जी सैनिटेशन सर्वेक्षण का, तो मैं वहाँ उज्जैन निगम आयुक्त के पद के उससे वहाँ मौजूद थी। हमेशा से इंदौर हम सभी लोगों को बहुत गर्व का अनुभव कराते आया है। ये जरूरी नहीं है कि जब उज्जैन का ही नंबर आएगा तभी हम लोगों को प्रसन्नता होगी। मध्य प्रदेश में रहने के उससे हमें, जब इंदौर भी नंबर 1 आता है, जी भोपाल जब क्लीनेस्ट कैपिटल बनता है, तब भी हम लोगों को उतना ही गर्व का अनुभव होता है। निश्चित रूप से यहाँ आना मेरे लिए गर्व की बात थी, और मुझे इस बात से बिल्कुल प्रसन्नता हुई थी कि मैं इंदौर की निगमायुक्त मुझे अपॉइंट किया गया है। लेकिन साथ ही इस विषय के साथ भी कि अब जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, और खासकर ये जो रूटीन हो गया है, जो इंदौर को हमेशा, इंदौर ने नंबर 1 का ताज एक बार लिया और उसको फिर जकड़ के रखा हुआ है, तो इसको इतने ही जकड़ के रखे रहना मेरा पहला दायित्व होगा कि हम इंदौरी इतने ही प्राउड अपनी स्वच्छता को लेकर हमेशा रहें। प्रतिभा जी, आपके लिए चैलेंज क्या है? अब आपने पद संभाल लिया है, आपने कई चीज़ें खुद ने देखी भी हैं, कई चीज़ का रिव्यू भी करा है, पर आपको क्या लगता है एज अ निगम आयुक्त, तो आपके लिए चैलेंज क्या रहेगा इंदौर में? देखिए, अभी जो सबसे फोकस का काम है, सभी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कोविड-19 ही है, जी कि इस महामारी के समय में जो दायित्व दिए गए हैं उनका पूरा नगर निगम सही से पालन करे। दूसरा कि जब लॉकडाउन खुलेगा, कोविड-19 का जो हमारा ये फेज शुरू होगा 1 जून के बाद से, तब तब से नई गतिविधियां शुरू होंगी, तब से हमारी तैयारियां क्या होंगी, उस समय हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उस समय नगर निगम की दायित्व क्या होंगे, हम लोग उस पर अभी विचार कर रहे हैं। और उसके अनुसार अपनी टीम को तैयार करने के लिए, जो हमारे पास 8 दिन है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो प्रतिभा जी, चुनौतियां हैं और जो प्रायोरिटी हैं वो टाइम टाइम पे शिफ्ट होंगी, क्योंकि इस समय ये जो वायरस है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा आपको कभी पता नहीं होता है। अभी मॉनसून आएगा, प्री जी मॉनसून आएगा,
तो जी बड़ी उसमें मुश्किल है। हमारी दायित्व क्या होंगे वो अभी बहुत ज्यादा अभी से हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम उतनी तैयारियां करके रख सकते हैं। तो अभी जो मेन फोकस है वो COVID-19 को लेकर निगम की तैयारियों को है कि जून जुलाई और अगस्त में हमारे मानसून का समय होगा, बरसात का जी, समय होगा, उन सब की भी तैयारियां अभी से हम लोगों को करनी है। क्योंकि प्रतिभाजी जो जल संकट का समय होता है गर्मी में वो निकल चुका है इंदौर के लिए, पर इंदौर में कई बार ऐसा देखा गया है कि जब जब तेज बारिश होती है तो निगम के अमले को मुस्तैद रहना होता है, काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है, तो उसको लेकर के आपने कोई मास्टर प्लान बनाया है कि आने वाले समय में बारिश बड़ी तेजी से अगर होती है तो इंदौर का बचाव कैसा हो? निगम की जो राहत आपदा की तैयारी है वो अब चल रही है। इस समय फील्ड पर आप देखेंगे तो हमारे नालों की डिसिल्टिंग का काम और अन्य काम लगातार चल रहे हैं। बाकी टीम ने अपनी तैयारियां की हैं, क्योंकि ये काम बहुत ही परंपरागत स्वरूप के होते हैं। सभी को आइडिया है कि सभी के आइडेंटिफिकेशन पहले से किए हुए हैं कि अगर कहीं पानी भरता है, सबको मालूम है कि हमारे कौन सी कॉलोनीज में पानी भरता है, हम उनका सक्शन कैसे करते हैं। ये सभी तैयारियां निगम की कंप्लीट हैं। और अभी जो मानसून से पहले हमारे पास 20-25 दिन का समय है, उसमें लगातार हम लोग नालों की डिसिल्टिंग ऐसे एरियाज जहां पर हमेशा वाटर लॉगिंग होती है उनको चिन्हित करके और उनके निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। ये थी इंदौर की नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। प्रतिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू हरीश, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।